देश में आज कई राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं। देश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के नाम, सिंबल और पार्टी का संविधान अलग अलग होता है, लेकिन क्या आपने एक बात गौर किया है कि भारत में अधिकांश नेता सफेद कपड़े ही पहनते हैं। इतना ही नहीं, देश के राजनेता इन्हीं सफेद कपड़ों में ही हर जगह जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राजनेता क्यों सफेद कपड़ा पहनते हैं। संसद से लेकर सड़क तक एक पार्टी से दूसरी पार्टी के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन क्या आपने भी ध्यान दिया है कि सभी नेताओं के बीच एक समानता अक्सर देखने को मिलती है? आपने देखा होगा कि अक्सर सभी नेता सफेद कुर्ता पैजामा में ही दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की वजह जानते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर शो के समय लोग सफेद कुर्ता पैजामा या सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर राजनेता क्यों अक्सर सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए दिखाई देते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि अभी के और पुराने राजनेता हमेशा सफेद कुर्ते के साथ सफेद धोती पहनना पसंद करते थे, लेकिन कम ही लोग इसकी वजह जानते हैं। नेताओं की सफेद पोशाक के सवाल का जवाब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिलता है। जी हाँ, जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था, उस समय लोगों ने विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करके आग लगा दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को चरखे से बने खादी के वस्त्र को पहनने के लिए प्रेरित किया। दरअसल गांधी जी इसे स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखते थे। उस समय खादी से बने कपड़े ज्यादातर सफेद रंग के होते थे। उसी समय से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ दे रहे सभी नेताओं ने भी इन्हें अपनाना शुरू कर दिया। फिर क्या, धीरे धीरे ये रंग नेताओं का रंग बन गया। उसके बाद से ही राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोग सफेद रंग के कपड़ों में नजर आने लगे। साथ ही ये रंग सादगी का भी प्रतीक होता है। आपको बता दें कि जीवन में हर रंग का अपना महत्व होता है। हर किसी रंग का एक विशेष गुण होता है। ऐसे ही सफेद रंग शांति, शुद्धता और विद्या का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि किसी अपने की मृत्यु होने पर लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अपने देश में सफेद रंग को और भी कई मौकों पर अलग अलग धर्मों के मुताबिक पहना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें फटाफट से बताइए कॉमेंट सेक्शन में।